What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 30 जून 2020 सुबह के 8:36 हो रहे, ट्यूसडे है, हफ्ते का दूसरा ट्रेडिंग सेशन है और इस महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। तो जैसे कि फ्राइडे से हम देख रहे हैं एक रेंज में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, कंटिन्यूस दोजी जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, यानी जहां पर ओपन हो रहा है उसी के आसपास आकर ये क्लोज हो रहा है। तो मार्केट में मोमेंटम इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन से जैसे कि खबरें चल रही है, अगर दो दिन पहले जो खबर आई थी उसको देखें तो सरकार ने कश्मीर और लद्दाख में LPG स्टॉक करने के लिए कहा है और जो भी स्कूल्स है उसको खाली करने के लिए कहा है। हालांकि बॉर्डर के ऊपर बातचीत शुरू है, लेकिन कब सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए उसके लिए ये तैयारी हो रही है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस का माहौल है इस समय। दुनिया का भी जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ऐसा वक्त टेंशन बना हुआ है और ऊपर से कोरोना वायरस का भी अभी सेकेंड वेव आ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, दुनिया भर के बाजारों में एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार देखे, नाजडैक तो फिर से फ्राइडे को जो इसने 700 पॉइंट्स का फॉल दिखाया था उसके बाद थोड़ा सा रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है। कल नाजडैक 116 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो हरे निशान में बंद हुए थे। और कल जैसे कि एशियाई बाजार देख रहे थे, एक नरमी देखने को मिल रही थी, एक स्लगिश वे देखने को मिल रहा था, उसके बाद आज सभी एशियाई बाजार हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखें तो हल्की सी बढ़त इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल थोड़े से पॉजिटिव संकेत आ रहे। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर वीकली चार्ट में ये जो लास्ट स्विंग हाई लो बन रहा है उसको पकड़ के हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। तो जैसे कि इसका 61.8% का लेवल जो था, यहाँ पर इसने लास्ट 2 वीक्स एक रेजिस्टेंस फेस किया था। तो और इसके बाद जैसे ये लेवल इसने ऊपर में ब्रेक किया तो ऊपर ये 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है ये ऑलमोस्ट 76.4% के लेवल के आसपास आ रहा था। तो अभी इस रेंज में ये ट्रेड हो रहा है निफ्टी इंडेक्स, नीचे भी देख सकते हैं आप। तो अभी ये 10,276 ऑलमोस्ट 300 के करीब ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो अभी ऊपर अगर इसे कंटिन्यू अपसाइड ऊपर दिखाना है तो इसको 10,600 और ये जो 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है ये अराउंड अभी 10,700 के पास आ रहा है। तो ये काफ़ी यहाँ पर स्ट्रगल कर सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है कंफर्टेबली तो यहाँ से ये अपसाइड रैली कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। फिलहाल अभी ये वीकली चार्ट में भी देखें तो शॉर्ट टर्म और ये मिड टर्म मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है। तो ऊपर 10,600 का रेजिस्टेंस होगा और नीचे 10,300 के बाद ये 20 EMA जो कि अराउंड 10,070 के पास है ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो फिलहाल वीकली चार्ट का सिनेरियो हमें ये दिखा रहा है कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट को देखें तो जैसे कि यहाँ पर लगभग दोजी जैसा पैटर्न बन रहा है लास्ट 2 डेज। अगर ये देखें 25 जून का भी तो लगभग दोजी जैसा है, हालांकि बोरिंग कैंडल इसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये 25 जून, ये फिर 26 जून और अभी 29 जून यानी कल। तो यहाँ पर अगर डेली चार्ट के लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के ड्रॉ करें तो एग्जैक्ट 61.8% का इसने यहाँ पर लेवल अचीव किया और इसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करके एक साइडवेज मार्केट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पर नीचे RSI भी लोअर हाइज दिखा रहा है और यहाँ पर भी लोअर हाइज दिखा रहा है, लेकिन इसने अभी तक ये जो नेक लाइन है इसको ब्रेक नहीं किया। इसके नीचे अगर चला जाता है, क्लोज होता है, तो निफ्टी इंडेक्स फिर से ये जो 100 EMA है डेली चार्ट में ये अराउंड अभी 10,070 के पास आ रहा है। हमने वीकली चार्ट में देखा 20 EMA 10,070 के पास आ रहा था। तो अगर इस नेक लाइन को ये ब्रेक करता है और इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर से एक बार 10,000 के लेवल्स हमें टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये सिनेरियो बन रहा है डेली और वीकली चार्ट का। चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे।
आर्ली चार्ट में देखे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट 3 दिन, जैसे डेली चार्ट में हमने देखा ये जो 3 बोरिंग कैंडल्स दूजी जैसे पैटर्न बन रहे थे, तो आर्ली चार्ट में ये देखिए एक रेंज में ट्रेड हो रहा है पूरे दिन, ये दूसरा और ये कल का। तो यहाँ पर खासकर मौके नहीं मिल रहे ट्रेडिंग के लिए। ये जो फेज है यहाँ पर ज़्यादातर SL हिट होने के चांसेस होते हैं, तो इन रेंज को क्लियरली जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक एंटर करना ट्रेड में काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स अगर देखें तो ये जो जोन बना है ये 26 जून का, इसको अगर कम्प्लीटली ये ब्रेक करता है, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर 2 टॉप मिल रहे हैं। तो ये जो टॉप है यानी अराउंड 10,383 के पास, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का R2 का लेवल जो कि अराउंड 10,405 के पास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा 10,428, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ चला जाता है तो कल का लो यानी 10,221 इसको अगर ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ कंफर्टेबली, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,202, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S2 का लेवल जो कि 10,176 के पास है। तो ये था इंट्राडे लेवल्स आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।